टू आइटम्स। फ्रेंड्स, हम अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस को कर रहे थे, आइए उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5 और 8 दे रखा है। कह रहा है कि प्रत्येक विभाग में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है कि इस समय अनुपात क्या होगा वृद्धि होने के बाद। तो हमने कहा कि भाई कला, वाणिज्य और विज्ञान में छात्रों का अनुपात जो है वो ये दिया गया है। इसके बाद कह रहा था कि 20%, 40% और 25% क्रमशः तीनों में बढ़ाया जाता है, मतलब वृद्धि होती है। तो हम कहेंगे कि यहां से 20% वृद्धि होने का मतलब यह है कि हम इसको 100 में ऐड करके रखेंगे। परसेंट का निशान लगाने से होगा क्या कि परसेंट हटाने पे यहाँ पे 100 आ जाएगा नीचे, 100 तीनों में कट जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लगाएंगे। तो मतलब यह है कि आप क्या करें, सीधा इसको 100 में ऐड करके रख दें। यहाँ पे भी आप क्या करें, इसको भी 100 में ऐड करके रख दें और यहाँ पे भी आप इसको 100 में ऐड करके रख दें। अब आप देख पा रहे हो कि यहां से ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 4, यहां 5 और यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 25। अभी ये इसके बाद हम देखें कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि यहां अगर डिवाइड हो जाता है तो हो जाएगा बिल्कुल। तो यहां भी हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, यहां इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 5, यहां 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप देखिए, यहां पे आया आपका 18, यहां पे आया 35 और यहां से आ जाएगा 50। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो ये होगा और आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉलेज में कला और वाणिज्य के जो विद्यार्थी हैं उनका अनुपात 4:5 के अनुपात में। कह रहा है कि वाणिज्य में 65 और विद्यार्थी प्रवेश कर ले तो यह अनुपात 8:11 हो गया। कह रहा है कि कला संज्ञान में कह रहा कितने विद्यार्थी हैं इस समय। तो हमें यह बताना है कि भाई पहले जो कला और वाणिज्य में अनुपात था वो कह रहा है कि 4:5 का अनुपात है, तो हमने कहा 4:5 का अनुपात है। लेकिन जब 65 लोग, ये हमारा कला है और ये वाणिज्य का, तो वाणिज्य में कह रहा है कि 65 लोग प्रवेश करते हैं, किसमें, वाणिज्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात इतना हो जाता है। अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई वाणिज्य में संख्या बढ़ी लेकिन कला में सेम रहनी चाहिए, तो इसको हम क्या करें, सेम करने के लिए 2 का गुणा करा दें ऊपर वाली वैल्यू में, यानी ऊपर वाली पूरी वैल्यू में हम 2 का गुणा कराएंगे। तो ये अब जो वैल्यू बन के आ जाएगी वो क्या होगी, तो हम नीचे इसको लिखेंगे, हम कहेंगे कि 8:10 का अनुपात बनेगा और नीचे वाला क्या है ये। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये तो हो गया सेम, 65 लोगों ने प्रवेश लिया तो अनुपात इतने से इतना हो गया, इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना, 1 का। तो हम ये कहेंगे कि 1 यूनिट का मान कितने के बराबर होगा, 65 के। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई इस समय इसमें कितने लोग हैं, मतलब कला वर्ग में कितने लोग हैं, तो हम कहेंगे कला वर्ग में 8 के हिसाब से निकालना, 65 का गुणा करा दें, तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 520। तो 520 विद्यार्थी जो हैं वो कला वर्ग में, यही आपका आंसर है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 विद्यालयों ए बी सी के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है, तो उसने कहा कि ए बी और सी 4, 5 और 7 अनुपात दे रखा है। उसके बाद कह रहा है
कह रहा है कि 114 नंबर कह रहा है कि इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और फिर 20% की वृद्धि करने पर अनुपात क्या होगा। तो 20% बढ़ाना है, फिर 25% बढ़ाना है, फिर 20% बढ़ाना है। ये जो बढ़ाना है ये ए को बढ़ाना है, ये वाला बी में और ये वाला सी में क्रमशः दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये बढ़ाने पे हमारा अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो यहां से हम कहेंगे कि इसको बढ़ाने पे हम कहेंगे 120 और परसेंट हटाएंगे, 100 नीचे आएगा और 100 सब में कट हो जाएगा तो वो लिखेंगे नहीं। और यहाँ पे कहेंगे 125, इसमें ए बी 120। अब आप देख पा रहे हो कि यहां से अगर इसको हम 5 से कट करते हैं तो यहाँ 24 आ जाएगा, ये 5 कट होगा और यहाँ भी 24 आ जाएगा। अब ये अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पे संख्याएं कट नहीं होंगी शायद। तो आप सीधा आप क्या करो, गुणा करा दो इसका। तो यहां से 24 चौको 96 और यहां 125 और इसमें कराओगे तो 28 2 और ये इतना, ये आपका आंसर। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें कहा गया है तीन संख्याएं क्रमशः 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 के अनुपात में दी गई। उसके बाद वो कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। कह रहा है पहली तथा तीसरी संख्या का योग, तो पहली और तीसरी का योग जो है वो दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो मतलब हम ये कहें कि यहां से अगर हमारी पहली संख्या बनती है तो 3x, ये 4x और ये 5x। तो ये कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का योग यानी 8x ये इससे 52 अधिक है। तो 52 अधिक कौन है, ये। तो हम इसमें अगर 52 जोड़े तो ये बराबर हो जाएंगे। यहां से आप क्या करोगे, 4x का मान निकालोगे तो ये 13 बार, तो x का मान आ जाएगा कितना। अब वो कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें गुणा करा देंगे। तो 5x की वैल्यू निकाल दें तो यहां से 5 into, तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो ये होगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 का है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर अनुपात जो होता है वो 4 और 5 का हो जाता है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि अनुपात जो है संख्याओं का वो 3 और 4 का है। कह रहा है सब में मतलब इसमें और इसमें 6 की वृद्धि करने पे ये अनुपात 4:5 का हो जाता है। आप देख पा रहे हो कि इसमें कितने की वृद्धि हुई, 1 की, इसमें वृद्धि हुई 1 की। तो ये कह रहा था 6 की, तो यानी हम कहेंगे 1 यूनिट बराबर कितना, यानी 1 यूनिट का मान जो होगा वो कितने के बराबर, 6 के बराबर होगा। अब उसने पूछा ये है कि भाई इन संख्याओं में अंतर कितना है। तो अंतर भी आप देख पा रहे हो 1 का ही है, तो अंतर कितना निकल के आएगा, 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 आएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कह रहा है इनका गुणनफल ये 96 है। तो यहां से आप देखो 2:3 के अनुपात में दो संख्याएं हैं और इनका गुणनफल देखना है। तो हम ये कहें कि पहली संख्या जो 2x, दूसरी संख्या होगी वो होगी 3x। यहां से आप इसका गुणा करा दो और ये गुणनफल बराबर है 96 के। तो यहां से आप देख रहे हो इसका गुणा कराए तो ये 6x² और ये 96, इसको 6 से कट करें तो x स्क्वायर का जो मान आएगा वो 1 और यहां पे 6। तो x का मान जो निकल के आएगा वो x का मान 4 आ जाएगा। तो अब उसने हमसे ये पूछा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो योग जो होगा वो 5x के बराबर में है। तो हम कहें कि 5 into 4, फाइनली जो आंसर होगा वो इतना होगा,
तो इस तरह से आपका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बोल रहा है तीन संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी हैं कि ए का दोगुना बी के तीन गुने के बराबर है। तो कह रहा है ए का दोगुना बी के तीन गुने के बराबर है, तो यहां से आप क्या करो ए और बी का अनुपात निकालो। तो ए की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, बी की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, तो अनुपात हमारा आ गया। इसके बाद कह रहा है कि बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। तो फिर से उसने कहा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो बी की वैल्यू हो गई 5 और सी की वैल्यू हो गई 4। तो यहां से आपका यह अनुपात निकला। उसके बाद ये कह रहा है तो ए और सी का अनुपात बताइए, मतलब उसने जो फाइनली आपसे पूछ रखा है वो कह रहा है ए और सी का अनुपात बताइए। तो यहां से हम करेंगे क्या, हम कहेंगे कि अब हम यहां से अनुपात निकालें, तो ये 2 और ये 5 और यहां से ये 4, हम इसका गुना इसमें कराते हैं, फिर इसका गुना इसमें होता है और फिर इसके बाद इसका गुना इसमें कराते हैं। तो ये जो अनुपात निकल के आया है ए बी और सी का अनुपात निकल के आया है, जबकि हमें ए और सी का ही बताना है। तो हम ए और सी को रख लें, तो 15:8 का जो अनुपात आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है तीन संख्याएं 5, 6 और 7 के अनुपात में है। तो उसने कहा तीन संख्याएं 5, 6 और 7 के अनुपात में, हमने मान लिया कि ये संख्याएं हैं। इसके बाद कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल हमें दे रखा है। कह रहा है जो गुणनफल है वो 56-70 के बराबर है, यानी 5,670 के बराबर है। अब यहां से वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जो है इन तीनों में वो निकालनी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये 5x, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 6x और यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 7x। इसका मतलब ये हुआ कि 5 × 6 × 7 × x³, यहाँ 3x हो जाएंगे। बराबर में वैल्यू किसके हैं, इतने के बराबर में है। हम इसको कट करेंगे 5 से, तो 5 से कट करने पे ये इतना आ जाएगा। इसके बाद इसको 6 से कट करोगे तो यहाँ पे इतनी वैल्यू आएगी। इसके बाद आप 7 से इसको कट करो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 और इसके बाद यहां बचता है इतना 4, तो 7। यहां से x क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो इतने के बराबर, तो x की वैल्यू जो आप निकालोगे तो ये 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या निकालने के लिए हम कहें कि यहां से ये जो बड़ी संख्या होगी हमारी वो क्या होगी, तो वो 7x होगी। 7x में हम इसका मान रख लें x का, तो ये आ जाएगा 21। अब यहां से आपका आंसर आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करना स्टार्ट करते तो क्या होता, तब हम ये देखते कि भाई बड़ी संख्या हमारी ऑप्शन में मतलब अनुपात में कौन सी है। तो ये है, इसका मतलब ये होगा कि भाई जो हमारी बड़ी संख्या आने वाली वो 7 की फैक्टर जरूर होगी। तो हमें ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन दिया है 15, दूसरा ऑप्शन दिया है 18, तीसरा ऑप्शन दिया है 21 और चौथा ऑप्शन दिया है 28। तो आप ये देखिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बिल्कुल होनी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बचे हमारे 2 और ये वैल्यू भी 7 से डिवाइड है और ये वैल्यू भी 7 से डिवाइड है। तो अब हमें करना ये होगा, हम ये देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू 7 से दोनों डिवाइड हो रही है तो हम अगर इसको इससे कंपेयर करते हैं 28 को, क्योंकि सबसे बड़ी बतानी है तो हम तो बड़े की ओर जाएंगे। तो हमने कहा कि 28 को लेते हैं और यहां से ये 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसमें भी हम 4 का गुणा करें, इसका मतलब हम क्या करके रखेंगे, हम तीनों का गुणा करके पहले से ही रख लेंगे, मतलब 5 × 6 = 30 और ये इतना, ये हमने इतना गुणा करा रखा है पहले से। अगर यहां से 4 मिलता है तो 4 तीनों में मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम 4 × 16 = 64 अगर इतने का गुणा करा दें और ये वैल्यू मिल जाए
मतलब 64 का इसमें गुणा करा दे, ये वैल्यू मिल जाए, तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो उसमें करना ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना बोल रहे हैं कि ये अनुपात का गुणा करा के पहले से रख लो, उसके बाद क्या करो 28 उठाया वहां से 4 मिल रहा है फैक्टर, तो हमने क्या किया 4 तीन बार मिलेगा, इनमें सबका गुणा कराए इतना आ जाना चाहिए। इससे आप जब गुणा कराओगे देखो जरा लास्ट में ही 0 आ रहा है, ठीक है, इसके बाद ये 4 आएगा, यहाँ 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं गड़बड़। इसके बाद हम ये देखें सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है, तो सेकंड नंबर पे 3 आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या रखना होगा 27 रखना होगा, क्योंकि तीन तीन तीनों में मिलेगा, तो 3 × 9 = 27। अब इसका आप गुणा करा के देख लो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मतलब ये है कि ऑप्शन से हम इस तरीके से इसको लगा सकते थे, और थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपका आंसर इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, 4 और 5 के अनुपात में संख्याएं उसने पहले दे रखी हैं। उसके बाद कह रहा है कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि, तो वृद्धि को हम ऐसे दिखाते हैं, और दूसरे में कह रहा है कि 20% की कमी, तो कमी को हम ऐसे दिखाएंगे। मतलब पहले में हमें 20% की वृद्धि करनी है, तो हम कहेंगे 4 × 120 अनुपात, इसमें 20% कमी करनी है तो 100 में से घटाएंगे 20 को, तो 80 आ जाएगा। यहां से 0 से 0 कट हो गया, इसके बाद 4 से इसको कट करें तो 2 आ जाएगा, 2 से फिर इसको कट करें तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब अनुपात जो हमारा अब निकल के आएगा वो 6:5 का अनुपात होगा, और इस तरह से आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। उसने ये कहा कि पहला जो है पार्ट यानी 1 जो है वो अंतर है, इसके बाद कह रहा है कि ये 7 है शायद, हाँ 7 ही है, और इसके बाद कह रहा है यहाँ पे 24 है, तो ये अंतर है, ये योगफल है और ये गुणनफल है। तो हमने कहा कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो हम कहते हैं के, जो अंतर के बराबर थी, और इसको कह दें 7 के, और इसको कह दें कि ये हमारा जो हो गया के भी मान सकते हो, कुछ भी चाहो वो मान सकते हो, तो ये 24 के। अब यहां से उसने हमें ये कहा कि भाई अंतर है आपके पास, योगफल है आपके पास, गुणनफल है आपके पास, तो हम क्या करें, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू को आप जैसे भी निकाल पाए वैसे निकालें। हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लिखा, कहा कि ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर बराबर 4ab। यहां से आप क्या करोगे, ये आप देख पा रहे हो योग भी है, अंतर भी है और गुणनफल भी है, वही दोनों संख्याओं का, हमने संख्याएं ए और बी मान ली है, तो जो योग का है वो यहां पे रखेंगे और स्क्वायर करेंगे, ये के है, और यहां अंतर रखेंगे, और यहां पे जो आपका गुणनफल दे रखा है उसको रखेंगे। यहां से आप देख पा रहे हो ये आ जाएगा 49k², और यहां से के स्क्वायर है पहले से, और इसको आप इतना लिख सकते हो। यहां आप जब आएंगे तो ये हो जाएगा इतने के स्क्वायर बराबर, और यहां पे हम इसका गुणा नहीं करा रहे, क्यों, क्योंकि ये यहां पे कट रहा है, तो 2 से ये और 2 ये, तो यहां पे आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k ≥ 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या करें यहीं पे रहने दें, और यहां से एक के कट कर लें तो के बराबर 2 आ जाएगा, बस बात करता हूं। तो यहां से के बराबर 2 आएगा, अगर आप वैसे करते माइनस करके तो एक आता के बराबर 0, जो हमें लेना नहीं, तो के बराबर 2 आएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो देख लीजिए जरा, अब आपसे ये कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो देख लीजिए जरा गुणनफल, ये हमारा अनुपात दे रखा था, तो गुणनफल में आप रख दीजिए कितना आ जाएगा, ये 24k में आप रख दीजिए k का मान, तो 24 × 2 ये आ जाएगा 48k बराबर। तो फाइनली जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।